नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों को फिर से हमारे इस वीडियो में स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि हेमंत सरकार ने पहले ही वादे किए थे कि बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, वो अभी ऑनलाइन हो रहा है और ऑफलाइन के माध्यम से आप भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो आप ये ऑनलाइन कैसे कर पाएंगे, आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं, नियोजनालय में जा कर के आप आसानी से वहाँ से करवा सकते हैं। अगर कोई कैंप लगता है तो उस कैंप में भी जा कर के आप वहाँ पे आवेदन दे सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं, घर बैठे करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाले हैं कि आप किस तरह से फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम इस तरह का वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे देखिए, ये वेबसाइट पे आपको आना है। देखिए ये वेबसाइट है, वेबसाइट की ये डैशबोर्ड है। और यहाँ पे आप आने के बाद यहाँ पे ये सारे ऑप्शन दिखाई देंगे और वेबसाइट कुछ इस तरह से नज़र आएंगी। आपको यहाँ पे सबसे पहले न्यूज़ जॉब सिक्योर पे क्लिक करना है। और यहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं, और क्लिक करने के बाद ये सारा डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पर आपको फिल कर लेना है। तो चलिए फिल करते हैं और देखते हैं कि आपको क्या क्या फिल करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, और इसके बाद एक्सचेंज यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे आधार नंबर आपको फिल कर लेना है, और यहाँ पे फर्स्ट नेम डालना है, यहाँ पे मिडिल नेम आपका है तो डाल लेना है, और नहीं है तो लास्ट नेम डालना है। जैसे कि आपका नाम है यहाँ पर संतोष, यहाँ पर कुमार, यहाँ पर पंडित। जैसे कि आपका नाम यहाँ पर तीन कैटेगरी में है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम से फिल कर सकते हैं। अगर आपका नाम में सिर्फ संतोष है और यहाँ पे पंडित लिखा हुआ है तो यहाँ पे फिल कर सकते हैं संतोष पंडित लास्ट नेम। तो यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फादर नेम यहाँ पे फिल कर लेना है। और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो भी है आपका, यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ में देखें तो यहाँ पर आप कितना सिलेक्ट कर सकते हैं, 1960 तक आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ईमेल आईडी आप फिल कर दीजिए, और इसके बाद मोबाइल नंबर फिल करना है यहाँ पर। और यहाँ पे आप जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी है मेल फीमेल, और यहाँ पे जो भी है मैरिड अनमैरिड यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए। और इसके बाद यहाँ पे आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी धर्म से आते हैं आप यहाँ पे अपना धर्म सेलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पे रूरल या अर्बन जो भी आप रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र में, आप यहाँ पर आपको फिल कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे कास्ट, जैसे जनरल एससी एसटी ओबीसी आप जिसमें आते हैं आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। और इसके बाद यहाँ पे अपना मदर नेम यहाँ पे फिल कर लेना है। और यहाँ पे अगर आपका पत्नी है तो यहाँ पे आप पत्नी का नाम फिल कर सकते हैं। तो चलिए, और यहाँ पे देखते हैं एड्रेस वन में यहाँ पे अपना विलेज डाल लीजिए, यहाँ पे पोस्ट डाल लीजिए, और इसके बाद यहाँ पे सिटी डाल लीजिए जो भी आपका सिटी है। और इसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पोस्ट ऑफिस। और इसके बाद यहाँ पे पिन नंबर फिल कीजिए, और यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल्स यहाँ पे आपको फिल करना है, जैसे कि जो भी यहाँ पे हैं क्वालिफिकेशन आपकी, जैसे 10th हो गया, 12th हो गया, ग्रेजुएट हो गया, आईटीआई जो भी आपका है आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। और सिलेक्ट करने के बाद, जैसे कि हमने यहाँ पे 10th सेलेक्ट किया, यहाँ पर पासिंग ईयर यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया हमने, और इसके बाद यहाँ पर परसेंटेज डाल लेना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपने परसेंटेज डाला, यहाँ पे ऐड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ जैसे ही ऐड करेंगे ये आपका ऐड हो जाएगा। जैसे कि हमारा यहाँ पे ऐड हो चुका है, और आप इस तरह से एक एक करके ऐड कर सकते हैं, जैसे कि 10th हो गया, 12th हो गया। इसके बाद यहाँ पे आप ग्रेजुएशन किए हैं तो आप ग्रेजुएशन का भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद जो भी आपने ITI किया है या कोई भी डिप्लोमा किया हुआ है वो सारे यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है लॉगिन डिटेल्स, आपको यहाँ पे लॉगिन आईडी यहाँ पे एक डाल लेना है, और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डाल लेना है, स्मॉल कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर दोनों यहाँ पे मिक्स करके लेना है, और नंबर भी लेने हैं, और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे कि हो गया @ और @, इनमें से कोई एक ले सकते हैं। और यहाँ पे वही फिर यहाँ पे डालना है और कंफर्म कर लेना है। और कंफर्म करने के बाद आप यहाँ पे IAM Agree पे दोनों पे यहाँ पे चेक कर लेना है, और इसके बाद यहाँ पे सबमिट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएंगे, और आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्सपीरियंस डिटेल्स यहाँ पे मांगा जा रहा है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस डिटेल्स है तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं एक्सपीरियंस डिटेल्स। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि जो भी आपका
सेक्टर में काम करते थे उसको यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। अगर आप इनमें से कोई नहीं है तो यहाँ पे आप अदर सेलेक्ट कीजिए, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ जो भी अगर टाइप में यहाँ पे आप काम करते थे, जो भी आप एक्सपीरियंस था, तो यहाँ पे आप डालिए। अगर है तो आप यहाँ पे डालिए। तो यहाँ पे अदर सेलेक्ट करने वाले हैं, एम्प्लॉय नाम डाल लीजिए यहाँ पे जो भी है, ठीक है। और यहाँ पे कितना से कितना दिन के बीच आप काम किए थे, तो यहाँ पे फ्रॉम और यहाँ पे टू डाल लीजिए, ठीक है। डेट डाल लीजिए दोनों में, और एक्सपीरियंस इन मंथ में डालना है यहाँ पे। अगर आपने 1 ईयर काम किए थे तो यहाँ पे 12th मंथ डालना है। अगर आपका 12 है, 15 है, 16 है, 18 है, जो भी मंथ है आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। और इसके बाद अगर आप दिव्यांग हैं तो यहाँ पे आप यस कीजिए, अगर आप नहीं हैं तो यहाँ पे नो कीजिए। अगर आप दिव्यांग हैं तो दिव्यांग से रिलेटेड अगर यहाँ पे आपके पास सर्टिफिकेशन होगा तो यहाँ पे सारे डिटेल्स आप फिल कर लीजिए। चलिए यहाँ पे हम दिव्यांग यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे नो पे चेक कर रहे हैं। और आगे आपको यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करना है। और सेलेक्ट करने के बाद आप जो भी लैंग्वेज आपको आता है, जैसे कि आपको हिंदी आता है तो यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट कीजिए। और यहाँ पे आपको पढ़ना भी आता है, लिखना भी आता है और बोलना भी आता है, तो यहाँ पे आप तीनों सेलेक्ट कीजिए। अगर आपको सिर्फ बोलना आता है तो यहाँ पे स्पीक पे क्लिक कीजिए, और दोनों को चेक मत कीजिए। जैसे कि आपको बंगाली सिर्फ बोलना आता है, लिखना नहीं आता है और पढ़ना भी नहीं आता है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन। जैसे यहाँ पे हम ऐड करेंगे, ये हमारा ऐड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ऐड हो चुका है हमारा इंडिया, यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे हिंदी। और यहाँ पे जैसे कि हम अगला फिर सेलेक्ट करते हैं, देखिए यहाँ पे जैसे कि बंगाली, बंगाली तो हम यहाँ पे बंगाली हमने सेलेक्ट कर लिया है। जैसे कि यहाँ पे हम ऐड करते हैं, और ऐड करने के बाद ये देखिए हमारा ऐड हो चुका है। अगर आप इसे डिलीट भी करना चाहते हैं तो आप आसानी से यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं, और यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं। और यहाँ पे ये सब सारे फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, जैसे कि फ़ोटो अपलोड करना होगा, और जो भी डॉक्यूमेंट है आप वहाँ पे अपलोड कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, एक कमेंट कर सकते हैं, और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जा करके चेक कर लीजिए। और वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से चेक करके आसानी से इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और हम इस तरह से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो लेकर के। तब तक के लिए बाय।